ప్రాపర్ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలండి. అంతేగాని మీరు ఎక్కడ ఉంటారు, మీ అలా కూడా ఏదో स्टार्ट वेस्ट जोन में आज करीब 25 चेक पोस्ट अरेंज किए गए. इसमें लगभग हमारे पूरे स्टाफ, वेस्ट जोन का स्टाफ और 5-6 प्लाटून पूरे मिलके ये चेक पोस्ट का जो चेकिंग है पूरे सवेरे 6 बजे से शुरू करके पूरा अभी लागू है. आज शाम फिर 6:30 बजे से लेकर कल सवेरे 6 बजे तक 100% कर्फ्यू क्लैम्पिंग होगा. तो ये जो इसमें कल हम लोग देखे रात के 10 बजे 12 बजे भी पब्लिक रोड पर आके बच्चों के साथ और उनके लेडीज़ के साथ बाहर घूम रहे टू व्हीलर्स और फोर व्हीलर्स में. कल ज़्यादातर जहाँ ये जो एरियाज़ में हैं हमारे बच्चों के थोड़े एरियाज़ में बोलने के बावजूद भी पब्लिक नहीं मानी तो इनके ऊपर माइल्ड हम लोग फोर्स भी यूज़ करना पड़ा कल. लेकिन आज से ये 100% जो कर्फ्यू गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसके हिसाब से 100% 6:30 के बाद 100% कर्फ्यू लागू होगा. इसमें केवल मेडिकल शॉप्स और हॉस्पिटल्स ओपन रहेंगे, बाकी सब बंद होगा. कोई भी दुकान खुला नहीं रहेगा, कोई भी होटल खुला नहीं रहेगा. तो पूरी पब्लिक ये जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है इसको इसके नज़र में रखते हुए 100% पुलिस को कोऑपरेट करने की हमारा जो ये मांग है मेरे ख्याल से पब्लिक इसको पूरी करेगा. ये हम लोग सोचते हैं सर, आप अभी जो लोग बाहर लोगों के लिए कुछ स्पेशल आप जगह बनाएंगे या फिर इनको बिल्कुल रोक दिया जाएगा सर? नहीं, ये जो पब्लिक हम लोग खाना बांटने के वजह से लोग परमिशन मांग रहे हैं ये परमिटेड नहीं है. जिसका अगर से किसी को खाना नहीं है तो गवर्नमेंट उसका देखभाल करेगा. हॉस्पिटल में जाके थोड़े लोग खाना बांटने की वो लोग परमिशन पूछ रहे हैं, ये सब इलीगल है. कोई किधर बाहर जाके किसी के खाना बांटने का ज़रूरत नहीं है. ये अलग से एक दूसरा सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होगा. ये पूरा गवर्नमेंट का जो ये ऑर्डर है ये पूरा कोई भी पब्लिक मतलब जमा नहीं होना जिसके घर में वो बैठ के ये जो कोरोना वायरस है जितना डेडली ये बीमारी फैल रहा है कितनी तेज़ी से फैल रहा है इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ये जो कर्फ्यू के जितने भी ये सिस्टम्स हैं पूरे लागू किए. इसको पूरे पब्लिक सपोर्ट करना और घर में रहना, बाहर कोई नहीं आना. बाहर आए तो उनका क्या है, खुद उन्हीं का नुकसान है. बाहर आए तो ये बाहर से लोग इन्फेक्शन ले जाके घर में खुद फैलाएंगे तो ये भी सफ़र होंगे. अगर से किसी का घर में इन्फेक्शन है बाहर आएगा तो वो पब्लिक में बाहर आके पब्लिक को इन्फेक्ट करेगा. तो ये बाहर का इन्फेक्शन घर में नहीं जाना, घर का इन्फेक्शन बाहर नहीं आना. तो इसका मेन गवर्नमेंट का ये जो है आदेश इसको पूरा हम लोग 100% इसको ओबे करना. अगर से कोई ओबे नहीं करता तो सख्त कानूनी उनके साथ कार्रवाई होगा. और हमारा पूरा पुलिस का यही उनसे गुजारिश है कि जितने हम लोग पुलिस वाले पूरे रोड पे रह के काम कर रहे हैं तो इनका सब लोगों का मदद करें. क्योंकि जितने
कम मोहतात में लोग बाहर आएंगे तो उतना रोड भी क्लीन रहेगा। जो एसेंशियल सर्विसेज है, डॉक्टर्स है और जितने भी ये मेडिकल स्टाफ है और हॉस्पिटल में कितने भी सर्विसेज करने जाने वाले और ये कोविड कोरोना वायरस को कंटेन करने के लिए सारे लोग, हज़ारों गवर्नमेंट ऑफिशियल्स काम कर रहे हैं, केवल इन्हीं को मतलब परमिशन है यहाँ पे बाहर जाने का। अरे किसी को सामान खरीदना है, तरकारी खरीदना है तो वो लोग सवेरे आके खरीद के फिर इमीडिएटली घर जाना, वो भी ऑलरेडी डीजी साहब और सीएस साहब प्रेस मीट में वो लोग बताए कि 3 किलोमीटर रेडियस में, घर के 3 किलोमीटर रेडियस से बाहर वो लोग नहीं जाना, घर से जाए तो इलीगल है, इसके कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। 188 सेक्शन है, 269, 270, 271 ITC, ये पूरे सेक्शन लागू होंगे। अगर कोई भी ये जियो गवर्नमेंट जो इशू किया जियो उसको वायलेट करेंगे तो ये पूरे सेक्शन उनके ऊपर लागू होगा और उनको अरेस्ट करके रिमांड भी करने की हम लोग पीछे नहीं आते। सर एक हफ्ते क्या टाइम लगेगा कोरोना वायरस के तहत अपने डेथ जोन में कितने केसेस हैं? नहीं ये तो हम लोग को गवर्नमेंट से एक लिस्ट आता, वो लिस्ट हम लोग वेरीफाई करके फिर हम लोग कंसोलिडेट करके हम लोग सिटी ऑफिस के जरिए वो गवर्नमेंट को जाएगा। तो हमारे पास करीब 10 जोन में काफ़ी लोग हैं जो बाहर से, विदेश से आए, यहाँ पे रह रहे, बाहर जाके फिर वापस आए, इस तरह के लोग का लिस्ट हम लोग जो आया ट्रैवलर्स लिस्ट है उसको हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। वो मेडिकल टीम के साथ वेरीफाई कर रहे हैं, पुलिस को इसमें मतलब एक्सपर्ट्स नहीं है, मेडिकल एक्सपर्ट्स और पुलिस का MCH का जो हेल्थ टीम है, वो हेल्थ टीम और DMNHO का टीम जो है उनके साथ पुलिस वाले जाके वो जिधर भी सस्पेक्टेड है या नहीं तो ट्रैवलर्स है, वो हर ट्रैवलर जिधर चेक करे कोई सस्पेक्ट नहीं होता, ट्रैवल करके आए लेकिन इसी उनको चेक स्क्रीन करने के लिए ये मेडिकल हेल्थ टीम वहाँ जाके उनको एक स्टैम्प भी लगा रहे हैं। तो ये पूरा उन्हीं के सेफ्टी के लिए है, पब्लिक के सेफ्टी के लिए है। तो इसमें पुलिस वाले डॉक्टर्स के साथ मतलब उतना ही काम कर रहे हैं जितने डॉक्टर्स भी काम कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि पुलिस वाले जाके कुछ कर रहे हैं, ये पुलिस वाले नहीं कर सकते अकेले, तो इसीलिए GHMC का हेल्थ टीम या DMNHO का उनका जो भी टीम जा रहे हैं उनके साथ जाके लोग चेक करने का आदेश है इनको। उसी हिसाब से हमारे पुलिस इंस्पेक्टर हो चाहे SI हो और पुलिस कॉन्स्टेबल हो, सब लोग उनका मदद करते हुए ये चेकिंग कर रहे हैं। थैंक यू सर।